बजरंग पूनिया ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ऐसी चर्चाएं विनेश चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस की तरफ। और देखिए ये अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है। आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। और अब तो हद ही पार हुई है, कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे। ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। उनके नाम के ऊपर झूठ बोल करके राजनीति करने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के देश की आर्मी में 10% हमारे हरियाणा के युवा है, मुझे गर्व है। परंतु मैं कांग्रेस के नेताओं से, भूपेंद्र हुड्डा साहब से भी, और मैं इनके जो बड़े दिल्ली में नेता बैठे हैं उनसे भी ये बात पूछना चाहता हूं कि देश को आकर के स्पष्ट करें, क्योंकि मेरे हरियाणा के युवा दिन रात उस आतंकवाद के सामने अपनी छाती को अड़ा करके उसका मुकाबला करते हैं और उसका सामना करते हैं, परंतु ये अपनी उस मंशा को स्पष्ट करें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, ये अपनी मंशा को स्पष्ट करें। क्या आप आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने के लिए समर्थन कर रहे हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये लिखा है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब हम सत्ता में अगर वहां पर आएंगे तो हम धारा 370 और 35 ए को दोबारा रिस्टोर करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम किया था, जिससे आतंकवाद के ऊपर बड़ी रोक लगी है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे देश के सामने आकर के, उन्होंने उसके साथ समझौता किया है। क्या आप धारा 370 के समर्थन के अंदर है ये बताने का काम 35 ए के समर्थन में है? इस बात को स्पष्ट करें। एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, ये अगर कोई लेकर के आया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एकजुट करने का काम किया है। और ये भी स्पष्ट करें, क्या ये धारा 370 ये जो कह रहे हैं कि इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे, हम दोबारा लेकर के आएंगे, ये भी वो स्पष्ट करें इस बात को कि वहां पर दलित समाज को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। क्या आप दलित विरोधी हैं? आप ये भी स्पष्ट करने का काम करें, क्योंकि आप वहां उसका समर्थन करें।